यूक्रेन पर पुतिन का महाविराज क्रोध बरसने लगा है। रूस ने यूक्रेन पर 2023 का सबसे बड़ा अटैक किया है। 24 घंटे में यूक्रेन पर 81 मिसाइल अटैक किए गए हैं। आसमान, समंदर और जमीन यानी कि तीनों मोर्चों से यूक्रेन पर मिसाइलें बरसाई गई हैं। पुतिन ने युद्ध में हाइपरसोनिक वेपन्स को एक्टिवेट कर दिया है। यूक्रेन का बहुत बड़ा इलाका पुतिन के गुस्से की ज्वाला में धधक रहा है। रूस ने इतना बड़ा ऑपरेशन एक खास वजह से चलाया है। यूक्रेन भले ही पुतिन के एडवांस हथियारों के निशाने पर दिख रहा है, लेकिन उनका टारगेट है नेटो। क्या है पुतिन के ऑपरेशंस का असली मकसद और कैसे नेटो को जारी हो चुका है अंतिम अल्टीमेटम, देखिए रिपोर्ट। के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के विनाश की फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। खेरसोन और बाखमुत को कब्जे में लेने के बाद पुतिन ने संकेत दे दिए हैं कि अब संपूर्ण यूक्रेन पर सोवियत फेडरेशन का राज होगा और इस मिशन में जो बाधा बना उसका विनाश तय है। मार्च की रात और 9 मार्च की सुबह पुतिन ने नाटो संगठन को संकेत दे दिया कि अब युद्ध की निर्णायक घड़ी करीब है। रूस से बीते महीने ही 3 बड़े संकेत दे दिए थे। 27 फरवरी को रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा रूस को भड़काया तो विनाश होगा। 28 फरवरी को क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा सबमरीन से विध्वंस होगा। 1 मार्च को पुतिन ने ब्लैक सी में तैनाती बढ़ाने के आदेश दे दिए। मार्च की रात और 9 मार्च की सुबह ये तीनों संकेत सही साबित हुए। ब्लैक सी में तैनात रूस की सबमरीन से यूक्रेन पर विनाशक बरसात शुरू कर दी गई। रूस ने यूक्रेन पर 2023 का सबसे विनाशक अटैक किया है। सीधे राजधानी कीव को निशाना बनाया। रूस की मिसाइलें यूक्रेन के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर बरसने लगी। कीव के थर्मल पावर प्लांट पर मिसाइल अटैक किया गया जिससे पावर प्लांट तबाह हो गया। किलोमीटर दूर से आग की ऊंची ऊंची लपटें नजर आने लगी। यूक्रेन ने राजधानी कीव में तैनात डिफेंस सिस्टम से मिसाइल इंटरसेप्ट करने शुरू किए। रूस की एक मिसाइल का मलबा कीव के एक इलाके की पार्किंग में गिरा जिससे आग भड़क गई। कीव दमकल विभाग के फायर फाइटर्स कई इलाकों में आग बुझाने में जुटे रहे। रूस ने यूक्रेन के कीव, लवीव, खार्किव, मिकोलेव, डोनेस्क, निकोपोल, खेरसोन और ओडेसा के कई इलाकों में मिसाइल अटैक किए। चौबीस घंटे में रूस के 81 मिसाइल अटैक से यूक्रेन के कई शहर धधक उठे।
कीव समेत कई शहरों में बिजली सप्लाई ठप हो गई। 4 डिग्री सेल्सियस की ठंड में कीव के कई शहर बिना हीटिंग सिस्टम्स के ठिठुर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर कई अहम हथियारों से मिसाइल अटैक किए। TU-95 न्यूक्लियर बॉम्बर से यूक्रेन पर मिसाइल बरसाई गई। यूक्रेन ने TU-95 न्यूक्लियर बॉम्बर के 10 मिसाइल अटैक नाकाम करने का दावा किया है। इसके साथ ही यूक्रेन पर TU-22M3 लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट से मिसाइल दागी गई। यूक्रेन ने इस एयरक्राफ्ट से दागी 7 मिसाइल नाकाम करने का दावा किया है और साथ ही सुखोई 35 फाइटर जेट से मिसाइल अटैक किए गए। यूक्रेन ने कहा कि सुखोई के 8 मिसाइल अटैक इंटरसेप्ट कर दिए गए हैं। MiG-31K एयरक्राफ्ट से भी रूस ने मिसाइलें दागी। यूक्रेन ने कहा कि रूस की MiG-31 दागी गई है, जिनसे 6 मिसाइलें गिरा दी गई हैं। ब्लैक सी में तैनात कैलिबर KR कैरियर से भी रूस ने मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन का तो दावा है कि कैलिबर कैरियर के 3 मिसाइल अटैक नाकाम कर दिए गए हैं। रूस ने यूक्रेन पर कामिकाजी ड्रोन शहीद के भी हमले किए और यूक्रेन का दावा यह है कि 4 ड्रोन इस दौरान मार गिराए गए हैं। रूस ने कुल 81 मिसाइल दागी, जिसमें यूक्रेन ने 34 मिसाइलें ध्वस्त करने की जानकारी जारी की है। यूक्रेन ने भले ही रूस के 34 मिसाइल अटैक नाकाम करने का दावा किया हो, लेकिन यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। इस साल यूक्रेन पर रूस ने यह सबसे बड़ा अटैक किया है। कैलिबर मिसाइलों से यूक्रेन की धरती को ठहरा दिया गया है। यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से भी अटैक किया है। रूस ने यूक्रेन पर 6 किंजल फायर की है। सबसे बड़े और हाइपरसोनिक अटैक का सीधा संदेश है अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए। अमेरिका और यूरोप के देश मार्च के अंत तक यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन सप्लाई का वादा कर चुके हैं। इसके बाद रूस के खिलाफ यूक्रेन बड़े हमले शुरू करने वाला है। इन हमलों से पहले ही पुतिन ने चेतावनी जारी कर दी है कि अगर रूस की जमीन पर अटैक हुआ तो महाविनाश का बटन दबा दिया जाएगा। पुतिन ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा अटैक करके एक साथ कई महाविनाशक चेतावनी जारी कर दी है। चेतावनी है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन ना दिए जाएं। लॉन्ग रेंज वेपन से क्रीमिया पर हमला हुआ तो पलटवार अमेरिका तक होगा। पुतिन की दूसरी विनाशक चेतावनी है बाखमुत में दोबारा मोर्चा तैयार कर रहे ज़ेलेंस्की के लिए। मतलब साफ है कि रूस के कब्जे से बाखमुत वापस लेने के लिए लॉन्ग रेंज वेपन भेजे गए तो इससे भी बड़ा विनाश होगा। पुतिन की तीसरी चेतावनी है नाटो विनाश का अल्टीमेटम जारी करना। तुर्की के साथ स्वीडन और फिनलैंड की बैठक से पहले पुतिन ने एक के बाद एक कई हमले किए। 9 तारीख को ब्रसल्स में स्वीडन और फिनलैंड की नाटो सदस्यता को लेकर बैठक हुई। स्वीडन
स्वीडन और फिनलैंड नाटो मेंबर बनने की कोशिश में हैं। 21-22 जुलाई तक फिनलैंड और स्वीडन नाटो देशों की सहमति जुटाने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। पुतिन ने साफ कर दिया है कि अगर नाटो ने उसके पड़ोसी देशों को शामिल किया तो महाविनाशक अटैक की पूरी तैयारी है। रूस के सबसे बड़े अटैक में परमाणु विनाश के संकेत भी मिले हैं और इसमें सबसे ज्यादा अहम है हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से अटैक करना। हाइपरसोनिक मिसाइलें रूस का ऐसा हथियार है जिन्हें रोकना नामुमकिन है। मिसाइल के इस्तेमाल से पुतिन ने अमेरिका को संदेश दे दिया है कि उसकी हाइपरसोनिक मिसाइलें न्यूक्लियर वॉरहेड से हमले के लिए तैयार हैं। अगर यूक्रेन के जरिए रूस को टिकाने की कोशिश की गई, तो अमेरिका का संपूर्ण विनाश करने वाला बटन कभी भी दबाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, हर्षवर्धन।